कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पैसा महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा। कैश कांड को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आप। नेता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, कल जो है आखिरी चरण का महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के वीडियो पैसे बांटते हुए सामने आए, क्या कुछ कहेंगे? विनोद तावड़े जी के वीडियो ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है और उसी हार की घबराहट से वो पैसा बांटकर चुनाव को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद तावड़े एक छोटे से कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ऐसे में जब वो इस तरह की हरकत करते हैं, जब वो 5 करोड़ नगद के उनके पास से बरामद किए जा रहे हैं, जब उनके पास से बैग निकल रहा है जिसमें डायरी है, जिसमें 15 करोड़ का ब्यौरा है, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि ये पैसा किसका है, ये पैसा क्यों आया, ये पैसा किसको बांटा जा रहा था। और एक बात ये सच है कि 18 नवंबर को शाम को 5 बजे जब प्रचार थम गया तो विनोद तावड़े, जो विरार पूर्वी ईस्ट के नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहे थे, वो उस होटल में क्यों रुके हुए थे, उनको लोगों ने धर दबोचा है। बीजेपी इस पर क्या कहेगी? निष्पक्ष चुनाव आयोग की आंखें मूंदकर मूक दर्शक बना रहेगा या विनोद तावड़े के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? पूरे चुनाव में हमने देखा सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था। आप विपक्ष के लोगों के हवाई जहाज चेक कर रहे थे, विपक्ष के लोगों के आप बैग चेक कर रहे थे, पैसा आप खुद दबाकर बैठे थे, पैसा आप खुद बांट रहे हैं। तो महाराष्ट्र के साथ ये जो असम्मान अवहेलना की जा रही है, इसका जवाब महाराष्ट्र खूब देगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैग पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा है कि वो किसके कहने पे चुप था। 2023 अक्टूबर 9 तारीख की बात है, कैग ने, सीएजी ने एक लिखित लेटर के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स के ऑडिट पर रोक लगाई। वो ऑडिट जो परफॉर्मेंस ऑडिट था, वो ऑडिट जो स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट था, वो ऑडिट जो थीमेटिक ऑडिट था, उस पर रोक लगाई गई। और रोक लगाने के बाद वो ऑडिट नहीं हो पाया। 10 महीने ऑडिट हुआ प्रोजेक्ट्स का। ये कौन से प्रोजेक्ट थे जिन पर रोक लगाई गई? ये कौन सा काली करतूत थी जिसको छुपाया गया? ऐसा क्या असहज सच था जो सामने आ रहा था? ये बात तो सीएजी को बतानी पड़ेगी। सीएजी ने आखिर ये किसके कहने पर किया, सवाल इस बात का भी है। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो AQI है वो 450 के पार हो गया है। दिल्ली में सांस लेना मतलब जहर खाने से ज्यादा बदतर है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी को और दिल्ली की केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन न्यूज़।